आप कुछ बोल रहे थे। चलिए भाई लोग का सपोर्ट है तो आप लोग भी चैनल को बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब भाई बोल रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है थैंक यू। का मजा आ रहा है घूमने में? गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं अकेले आए हुए हैं? सिंगल? अब आप सिंगल है कि गर्लफ्रेंड है? पता ही नहीं है आपके गर्लफ्रेंड कहाँ घूम रहे हैं पता ही नहीं है। अरे हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली गाइस स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको जैसे पता है कि आज वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं किसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँ किसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो ब्लॉग बनाने का सबसे अच्छा मतलब मौका है। और वैसे भी मैं एग्ज़ाम दिवाने आ रहा हूँ नीतीशपुर कॉलेज में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वहाँ पे भरे हुए हैं तो चलिए उनसे मिलते हैं। और अगर आप शिवसनी पार्क में फर्स्ट टाइम आते हैं और अगर आपको गाड़ी पार्किंग करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग है। यहाँ जहाँ पे आप टिकट लीजिएगा टिकट काउंटर से जस्ट थोड़ा सा आप बगल में आइएगा तो आपको मिल जाएगा पार्किंग। कितना पैसा लगता है? कितना अंकल पैसा लगता है पार्किंग का? ₹5 पार्किंग का लगता है। यहाँ पे आप सेफ्टी से एकदम गाड़ी अपना पार्क करके जाके पार्क में घूम सकते हैं। तो ये सब तो आपको अपने ब्लॉग में जो बनाता है ब्लॉग, यहाँ पे हम 3-4 ब्लॉग देखे हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आइएगा तो बगल में यहाँ पे टिकट काउंटर है। देखिए वैसे भी बहुत भीड़ चल रहा है, सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं पार्क में। तो चलिए हम भी चलते हैं और कार्ड पहले टिकट ले लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर टिकट ले लिया हुआ है। फाइनली गाइस मैंने टिकट ले लिया हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है। और अब चलते हैं अंदर और लोगों से बात विचार करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। और आपको दिखा दें यहाँ का जो अभी नया बना हुआ है इसका बैकग्राउंड देखिए कितना बगल होता है। और ये बगल में पार्क है आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अंकल को देखते हैं। और यहाँ पे सर टिकट जमा होता है क्या? जमा नहीं होता, टिकट फाड़ा जाता है। अंदर लेके आएंगे तभी बाहर जाएंगे। अंदर जाने देंगे गाइस। तो हम लोग अभी तो एंट्री कर चुके हैं शिवसनी पार्क में और यहाँ पे सभी अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं और हम अकेले आए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सिंगल है तो हम लोग दूसरे ही गर्लफ्रेंड को देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भैया हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत देर से भैया कमेंट करें बात और बोल दीजिए। चैनल का नाम मेरा होगा विक्की ठाकुर 05। तो गाइस चलिए भाई इसी ब्लॉगिंग के चक्कर में मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। तो जैसा कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैमिली भी आई हुई है पिकनिक मनाने के लिए। और यहाँ पे बच्चों का झूला है जो बच्चे यहाँ पे झूलते हैं और यहाँ पे शायद 10 साल से कम उम्र के बच्चों का ही ये झूला है। यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा के बच्चे नहीं झूल सकते हैं। और यहाँ पे सयान के लिए कोई झूला वाला नहीं है, सयान सिर्फ यहाँ पे यहाँ वहाँ भटक सकते हैं और सयान के लिए कोई झूला यहाँ पे नहीं है। बड़ी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, सही बात है बहुत दुख हुआ, दिल पर लग गया। और यहाँ पे बगल में है पार्क का व्यू, सबसे बढ़िया व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पे पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे गिरा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये व्यू देखिए यहाँ पे शायद बीच में कछुआ भी है एक आदमी। व्यू तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे बगल में बैठने के लिए एक पूल बनाया गया है जो चारों तरफ से पानी ही पानी है। और यहाँ पे शायद एक आध कछुआ भी है। और इस साइड छोटा सा पहाड़ बनाया गया है जो कि इस पर चढ़ते हैं और देखते हैं। एक आध दोस्त मेरा यहाँ पे आया हुआ है पर अभी तक मिला नहीं है, पहले उनको ढूंढ लेते हैं उसके बाद ब्लॉगिंग करते हैं। भाई साथ में ब्लॉगिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, तो पहले उनको ढूंढते हैं और फिर जाते हैं तो ब्लॉगिंग करते हैं। तो वैसे ये इन साइड एरिया है जो ज़्यादा यहाँ पर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही मिलेंगे, यहाँ पे कम ही लोग मिलते हैं वैसे बाय द वे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे दोस्त को, पहले एक मेरा दोस्त आया हुआ है उसको ढूंढते हैं और उसके बाद फिर उस साइड जाते हैं। पहाड़ वहाड़ पे घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसी साइड हूँ तो उसको ढूंढ रहा हूँ, भाई मिल ही नहीं रहा है।
और फ़ोन नंबर है तो अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ पहले उसको ढूंढूंगा, उसके बाद उधर का उस साइड का मतलब व्यू बनाऊंगा। जलवा है हमारा फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे एक और पुल बनाया हुआ है पर यहाँ पे पानी अभी नहीं है। टाइम टाइम से सब जगह पानी स्टार्ट होता है और वो रहा देखिए मेरा दोस्त सोया हुआ है वहाँ पे। हाँ और यहाँ पे ये भी बैठी हुई है। चलिए चलिए घूमते हैं, लोग से बात बात करते हैं। ठीक है तो गाइस वैलेंटाइन वीक के नाम सुन के यहाँ पे तीन चार लोग सभी खड़े हो गए जाने के लिए। तो गाइस वैलेंटाइन वीक चल रहा है पर हम लोग अभी सिंगल ही है और जो डबल है वो तो घूम रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, हम लोग सिंगल है तो हम लोग दोस्तों के साथ ही घूम रहे हैं। हाँ आप कुछ बोल रहे थे? सुकून का नाम सुना है? अरे ये तो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा रुक जा मेरे पास भी है आपके लिए कुछ। आप फिर बोलोगे नहीं? नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे हम। यार ये कितनी औसम है यार। हम आपके तरह नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों को बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मत करिए मेरी महबूबा। प्लीज एक बार ऐसे मत बोलिए मैंने चॉकलेट दिया आपको। अरे बोल दीजिए मैडम बोल दीजिए। अरे चलिए आपके लिए जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एक आध सब्सक्राइबर घट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए। इनके लिए एक आध सब्सक्राइबर कुर्बान। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं वैसे दूसरे साइड। हाँ यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं पर भाई हम लोग सिंगल परपोज डे हम लोग ढूंढ रहे हैं, शायद कोई मिल जाए हम लोग भी प्रपोज कर ले पर वैसा हो नहीं रहा है। हाय हाय इतना सुख। तो गाइस वैसी तो बात नहीं है, अगर हम चाहे तो गर्लफ्रेंड बना सकते हैं लेकिन हम लोग को गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है, ऐसे ही हम लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। का हम लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। देखिए बच्चे स्लाइड कर रहे हैं। ऊपर ऊपर हाँ वहाँ पे पहाड़ पे भी बहुत आदमी है, चलिए उनसे देखते हैं और बात करते हैं। हम लोग भी कुछ सेल्फी उल्फी ले लेते हैं वीडियोस बना लेते हैं। अच्छे से अच्छे से। हाँ बहुत ही अच्छे से बनाएंगे भाई, काहे टेंशन ले रहा है। का भैया मजा आ रहा है जुब्बासनी पार्क में आके? जुब्बासनी पार्क तो मजा ना आएगा तो क्या। अरे भाई लजा रहे हैं का लड़की की तरह? ये तो भाई लजा रहे हैं। का मजा आ रहा है घूमने में? गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं अकेले आए हुए हैं सिंगल? अब आप सिंगल है कि गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड सब अभी कहां घूमे पता ही नहीं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। आपके पास है? नहीं भाई हम लोग सिंगल है। आप सिंगल है? हमको लग रहा है आपको बाल बच्चा है आप सिंगल बात बोल रहे हैं। सही बात है ना, इनका शादी हो गया हुआ है ना, आप फिर भी आप सिंगल बोल रहे हैं, मतलब आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मन है आपको ना? बड़ा हरामी हो बेटा। पर गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, शादी होने के बाद भी इनको गर्लफ्रेंड चाहिए बताइए, हम लोग ऐसे ही अभी रान मर रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पे सेल्फी चल रहा है। इन्हें और यहाँ पे सेल्फी चल रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, खींचिए फोटो खींचिए। और यहाँ पे एक बनाया हुआ है फोटो खींचने के लिए, पापा की परी सब यहीं पे फोटो खिंचवाती है। और सब इस साइड पे है। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ पर मैं इंजॉयिंग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं वो आपको जानकारी इसमें नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इंजॉय के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप आइए यहाँ पे इंजॉय कीजिए, पार्क है इंजॉय करने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए भैया यहाँ पे रील बना रहे हैं भाई, यहाँ पे ऑलराउंडर सभी चीज मिल जाएगी, सिंगल लड़की डबल लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली फ्रेंड सब मिल जाएंगे भाई आपको। और यहाँ पे आप जितना झूला देखेंगे सब बच्चों के लिए है। और ये सियाने भी चढ़े हुए हैं, देखेंगे तो फाइन मार देंगे 200 रुपया। पैसा दिए है ना
हाँ हाँ ले लेना है ये भैया बोल रहे हैं तो आप हम ले लेंगे, पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा विक्की ठाकुर 05। चलिए भैया इसी बहाने मेरा जुबा सनी पार्क के बहाने मेरा 2-3 सब्सक्राइबर तो बढ़ गया कम से कम। क्या है आपका नाम? हाँ तो कोई बात नहीं है, हम खुद टाइप कर लेंगे। बस स्टार्टिंग कर रहे हैं तो चलिए भाई लोग का सपोर्ट है तो आप लोग भी चैनल को बोल दिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब भाई बोल रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे चलो इसी बहाने ब्लॉग के बहाने मेरा 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ गया, 2-3 के अभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं लोगों को भी बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए। और फिलहाल तो अभी हम इधर घूम रहे हैं और वो बच्चा वहाँ मेरा दोस्त सब है वहाँ पे।